आप लोग चाय तो लीजिए ना प्लीज। बेटे ले आओ हानिया को। अल्लाह करे बस ये रिश्ता हो जाए, मैं तो बहुत जल्द अपनी बहू को वहां बुलवा लूंगी। अगर जोड़ हुआ तो जरूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप क्या करते हैं साहबजादे? अंकल वैसे तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ हमारे कुछ स्टोर्स भी हैं। अच्छा, इसका मतलब है दोनों तरफ से मिला के जहाँ से इनकम हो जाती होगी। जी अंकल, अल्लाह का शुक्र है। गुड। और जहेज के बारे में क्या राय है आपकी? ऑफ कोर्स नॉट अंकल, और वैसे भी यहाँ से वहाँ जो चीज़ें ले जाने में खर्चा होगा उससे बेहतर है कि इंसान वहीं जाके नई चीज़ ले ले। एंड बाय द वे वैसे भी हम लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। दिल को दिल से रहा होती है, शायद दिल धड़का होगा तो देखने आ गया दिल का। आजो भाई आजो। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। इधर आओ बेटा, यहाँ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। अरे हमजा। वालेकुम अस्सलाम। आजो बैठो 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 बैठो। आपस में है ना पहचान, जानते हो ना? जी जी, हुमायूं भाई के ब्रदर इन लॉ है ना, शादी पे मिला था इनसे। हाँ तुम लोग जरा बातें करो, मैं एक कॉल ले लूँगा। भाभी और हुमायूं जरा गए हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं ही चली जाऊं, शबाना से दोस्ती तो है पुरानी, इसी बहाने बात भी हो जाएगी। मैंने इवेंट से वापसी पर राहिल से पूछ लिया था, उसे भी हानिया ही पसंद है। हानिया जैसी घरेलू लड़की और सादा लड़की ही चाहिए इसे। बाहर तो सब अपना काम खुद करते हैं और हानिया ने तो स्टडीज के अलावा और कुछ किया नहीं है, ये क्या करेगी बाहर जाके? नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, सब काम करती है, पूरा घर संभालती है वो। आंटी मुझे एक बीवी चाहिए कुक ने, और वैसे भी हमारे पास वहां पे एक पाकिस्तानी कुक है जो हमारे साथ ही रहती है, तो हानिया को काम करने की, खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं। बाहर सब अपना काम खुद करते हैं, ये क्या करेगी बाहर जाके, इससे तो आदत ही नहीं है। क्यों हानिया? मजाक कर रहा है, बचपन से आदत है इन दोनों की, ठनी रहती है हर वक्त। नहीं नहीं आंटी, मुझे इनका कंसर्न अच्छा लगा, उस दिन शादी पे मिलके भी आपसे अच्छा लगा और आज भी। यही तो होता है रिश्तों का अपनापन, जो वहां बिल्कुल नहीं होता। ये तो ठीक कहती हो, तो बस फिर हानिया से पूछ लें, इसे तो कोई एतराज नहीं है। इसे क्या एतराज होगा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ना कोई ख्वाहिश है और ना कोई आस है, सूखे हुए है लब मगर ना कोई प्यास है, मेरा ये दिल माने ना माने ना। बहुत जल्दी है ना तुम्हें उसे इस घर से निकालने की, जहां इतने दिन बर्दाश्त किया है कुछ दिन और सब्र कर लेते। क्यों अब ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम्हारा और तुम्हारी बेटी के मिजाज पे नागवार गुजरा? फौरन उनके सामने हाँ करने की क्या जरूरत थी,
जैसे हमारी बच्ची में कोई खोट हो और हम किसी से भी उसकी शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि वो हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी बेटी है। और दूसरी बात ये कि उसमें क्या खोट है, इसके लिए मुझे किसी दलील की भी जरूरत नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जिस लड़के से उसका रिश्ता मैंने तय किया है, वो अच्छा भला है, पढ़ा लिखा है, खुश शक्ल है, कमाता है, खाता है। तुम्हें तो कहती थी कि मैं घर के मामलात में दखल नहीं देता या जिम्मेदारी नहीं उठाता। आज जब मैंने जिम्मेदारी उठाकर एक फैसला किया है, तो अब भी तुम मुझे को गुनहगार करार दोगी? फौरन हाँ कहने की क्या जरूरत थी? सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त भी तो लिया जा सकता था। तो वक्त लेके तुम्हें क्या करना था? दो दिन बाद भी तो हाँ ही करनी थी ना। सुना नहीं वो लड़का क्या कह रहा था कि उन्हें कोई जहेज नहीं चाहिए और भी कुछ नहीं चाहिए। बस कर दो फारूक, हानिया की मुखालफत में तुम इतने गिर जाओगे मैंने नहीं सोचा था। तुम बस कर दो और अब बस ही कर दो। मैं अपनी बच्चियों का हक किसी और की झोली में मजीद नहीं जाने दूंगा। बहुत कर ली तुमने मनमानी, बहुत कर ली जिद। अब जो मैं कहूंगा वही होगा। देखिए दिल माने ना, पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।